सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल दिस इयर फ्रॉम डॉग फाइट। आज के व्लॉग में चले गया हूं कार हेवन अशोक विहार न्यू दिल्ली। विवेक कैसे हो आप? बहुत बढ़िया गौरव, आप सुनो क्या हाल है? बहुत बढ़िया। विवेक क्या दिखाने वाले हो हमें? आज हम दिखाने वाले हैं BMW की 530D 2011 मॉडल की कार जो हमारे पास आई है उत्तराखंड से काम होने के लिए। उत्तराखंड से, ये उत्तराखंड मेरा अपना स्टेट है तो उत्तराखंड से गाड़ी होने के लिए आई, होम टाउन है मेरा। हाँ तो वहाँ से गाड़ी आई है अपनी, ठीक है। अभी कितना 2011 मॉडल है 530D, ठीक। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लेटेस्ट शेप में, जो BMW शेप चल रही है क्योंकि ये बॉक्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना इसका, तो इसमें सारा कुछ चेंज हो जाएगा एक्सटीरियर पे, मतलब ये ग्रिप मैश वगैरह सब कुछ। सेम गाड़ी है, चलो। और बाकी गाड़ी की हालत भी है, कुछ खास लग नहीं रही मेरे को, ठीक नहीं लग रही हालत। ठीक है, तो बम्पर वम्पर तो वैसे भी चेंज हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। विवेक गाड़ी की डलना से ही हटेगी इसमें से? पूरी गाड़ी पेंट करेंगे ना ये? पूरी गाड़ी पेंट, ये भी ठीक है। विवेक गाड़ी के एक्सटीरियर पे ही कर रहे हो कि अंदर भी कुछ कर रहे हो? दिखा दो पहले, डोर पैनल्स हैं, ये देखो सीट। तो विवेक इंटीरियर पे क्या करने वाले हो? यार इंटीरियर हम सारे रिस्टोर करेंगे, गाड़ी की हालत खराब बहुत ज्यादा अंदर से, और सीट की हालत देखो, क्रैकिंग तक आई है सारी सीट पे, सीटें बहुत बुरी हालत, ठीक है। एसी फ्लोर्स की हालत देखो, टूटे फूटे पड़े हैं, सेंटर वाले देखो, स्विचेस हैं जो देखो टूटे हुए हैं सारे, सेंटर के भी ऐसे काफी पार्ट्स टूटे हैं, स्विच हालत बहुत बुरी, सब ठीक हो जाएगा भैया? नहीं लग जाएंगे यार। अच्छा नहीं लगेंगे हमारे, ठीक है। ये देखो ये जो पावर विंडो वाला स्विच है, डोर पैनल्स की हालत देखो, कलर ही चेंज हो चुका है सही में सर, कलर कुछ और था कुछ और हो चुका है। हम इसको गाड़ी को पूरी रिस्टोर करेंगे अंदर से, बाहर से कस्टमाइजेशन करेंगे, मतलब फेसलिफ्ट करेंगे और उसका पूरी गाड़ी पेंट होगी, मतलब पूरा ही काम हो रहा है इस गाड़ी के अंदर देखा जाए तो। किसी के पास अगर पुरानी गाड़ी है इस तरीके से हाई एंड में तो पूरा रिस्टोर करवा सकता है। अच्छा BMW ऑडी मर्सिडीज रेंज रोवर कोई भी गाड़ी हो, प्राडो हो, लैंड क्रूजर हो, ठीक, कोई भी गाड़ी हो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। विवेक अगर एजेंसी किट आपने सामने रखी हुई है, एजेंसी किट हमारे पास और कौन कौन सी गाड़ियों की? सब गाड़ियों को बोलते हैं, जो जो आपको बता रहा हूँ सारी गाड़ियों की देखिए। चलो ठीक है, तो अगर आपके पास भी आपके पास पुरानी हुई है गाड़ी आपकी, लेकिन आपको गाड़ी बहुत पसंद है, आप उसको फेस लिफ्ट करना चाहते हो ना, तो विवेक भी ऐसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, दिखाता हूँ आपको गाड़ी कैसा होता है। तो यहाँ पे अपनी कार रुक गई है पूरी तरह से कंप्लीट। विवेक कैसे हैं? बहुत बड़े गौरव, आप सुनाओ क्या हाल है? बहुत बढ़िया। विवेक आपने तो गाड़ी की सूरत ही पूरी बदल दी यार, कोशिश तो करी है। नहीं ये कोशिश नहीं है, तो पूरी सक्सेसफुल कोशिश रही है आपकी। ये देखो भाई लुक कितनी ज्यादा अग्रेसिव आ गई गाड़ी के अंदर। विवेक पहले ये गाड़ी बहुत थकी हारी थी, पहले कौन सा मॉडल था ये? अरे F10 था, इसको F90 M5 में कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो ये भाई आपने सुन लिया कौन सा था, कौन सा मॉडल में कन्वर्ट हो गया। गाड़ी की लुक चेकआउट करो कितनी अग्रेसिव लग रही है। विवेक आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं, सारे डिटेल में बताओ। मैं यार एक तो हम पहले बता दें, पूरी गाड़ी से हमने रिपेंट करी है, पूरी गाड़ी रिपेंट हुई है अपने आप, अपने वर्कशॉप पे, ठीक है भैया। उसके अलावा आपने क्या क्या चेंजेस करे गाड़ी के अंदर? बॉडी किट तो हमने इस पे लगाई है, ठीक है। बोनट चेंज करा हमने, बोनट इसका हमने पूरा चेंज करा है। ये बोनट जो वही फिटमेंट वाला आता है, सेम जो आता ही है BM में, ठीक है, सेम क्वालिटी है जो BM में हमारी आती ही है। दोनों फेंडर चेंज करे हैं, फेंडर भी आपने चेंज करे यहाँ पे। यहाँ फेंडर चेकआउट कर लो कितने बहुत बढ़िया फिटमेंट के साथ है, कहीं भी आपको ओवरलैपिंग वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, ये गैप आ रहा है, ये इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी ये इंडिकेटर है, परफॉर्मेंस वाला लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस वाला इंडिकेटर, भाई कितना सुंदर लग रहा है। फेंडर देख लो,
पूरी फिटमेंट एकदम जीरो फिटमेंट का तो रखा है सारा काम। भैया इसके बाद हेडलैम्प के ऊपर जा रहा है मेरा ध्यान, हेडलैम्प भी चेंज करी हमने इसमें यार। हेडलैम्प्स भी यहाँ पे यही आ रही है M5 के अंदर, ये आती है हेडलैम्प्स, चेकआउट कर लो बहुत सुंदर है। ऊपर ब्लू कलर की DRL से और नॉर्मल DRL और इंडिकेटर यहाँ पे जो है फ्लोट कर रहा है आपके सामने, बहुत अच्छी लग रही है। बम्पर भी पूरा बम्पर चेंज है, ग्रिल चेंज है, बम्पर चेंज ग्रिल भी चेंज, भाई साहब नेक्स्ट लेवल लग रही है गाड़ी। पहले गाड़ी बहुत थकी हारी सी लग रही थी, कंडीशन भी खराब थी हाँ, लेकिन आपने गाड़ी में जान डाल दी है, सुंदर लग रही है हाँ बहुत ज्यादा। भी मैं साइड प्रोफाइल भी पूछ किया आपने, साइड प्रोफाइल में उसमें अलॉय हमने हाइड्रो डिपिंग करी है। अच्छा हाइड्रो डिपिंग हमने करे हैं अलॉय यहाँ पे, चेकआउट कर लो सुंदर लग रहे हैं। साइड ग्लास भी भैया, साइड ग्लास में हमने स्पार्कल ब्लैक करा है, स्पार्कल ब्लैक वही मैं कह रहा था कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, ये कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। रूफ भी हमने स्पार्कल ब्लैक करा है, आपने गाड़ी को पूरा डुअल टोन में बना दिया, कन्वर्ट करा है ठीक है, मतलब अच्छी लग रही है उसके बाद काफी सूट कर रही है उसके ऊपर, स्पार्किंग है इसमें हाँ। ये चीज ना वही है कि कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता जो आंखें देख सकती है, ठीक है हाँ। ये तो मेरे को पता था कि आप ये पूरी बीडिंग है भैया ने ब्लैक करी है, तो मैं जानता था छोड़ोगे नहीं, इसके अंदर क्रोम भी हटा दिया, हैंडल पे क्रोम होता है हाँ 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 वो भी हटा दिया, क्रोम से दुश्मनी है आपको नहीं, प्यार भी है, प्यार भी भैया। पीछे स्पॉइलर देख रहा हूँ मैं, ये ऐड किया हमने, बहुत सुंदर लग रहा है, स्पॉइलर भी इसके अंदर लगा हुआ, पीछे चेकआउट कर लो ठीक है। फिर अब हम पीछे की रेयर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, अब पीछे के बारे में बताओ आपने क्या काम किया डिटेल में, टेल लैंप चेंज करी है, टेल लैंप चेंज करे हमने, चेकआउट कर लो टेल लैंप, मैट्रिक्स स्टाइल वाली है ठीक है, मैट्रिक्स स्टाइल टेल लैंप्स की पूरी चेकआउट, पूरी जीरो फिटमेंट के साथ, बम्पर चेंज करा है, बम्पर भी, ये बम्पर अरे भाई बम्पर में पीछे एग्जॉस्ट स्पीड डबल एकदम, एग्जॉस्ट भी दोनों वर्किंग है, दोनों वर्किंग एग्जॉस्ट है, दोनों साइड्स की वर्किंग है, वर्किंग। अच्छा भैया इसके अंदर आपने एग्जॉस्ट लगाया है कि पहले से, नहीं हमने लगाया, एक साइड होता है, एक साइड की डिप होती है, अच्छा एक साइड, अच्छा एक साइड होती है, एक साइड आपने एक्टिव किया है, हाँ जी। अरे वाह ये तो सबसे अच्छी चीज़ है, ये देख लो आपको एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से पूरा देख लो, दोनों साइड इसके अंदर एग्जॉस्ट है और दोनों एग्जॉस्ट इसकी एक्टिव है ठीक है। भैया जो इसके अंदर जितना भी पेंट वेंट सब हमारा ही होता है, इसके अलावा आपने कुछ और भी की गाड़ी में, चमक की बहुत ही गाड़ी, सेरेमिक कोटिंग तो करी है, सेरेमिक कोटिंग तो होनी है, मस्त है ठीक है। वैसे तो मैं रैप बोलता हूँ, हाँ डिफ्यूजर भी इसके बीच सेंटर में आपको नजर आ रहा है, ये देखो ऐसे देखो। और एक और बात बता दूं मैं आपको, हाँ जी जितने भी इसमें सेंसर्स थे, हाँ जी सारे वर्किंग कंडीशन में है, इंटैक्ट है सारे सेंसर्स, जैसे चाहे वो फ्रंट के हैं चाहे वो रियर के हैं, सारे सेंसर्स वर्किंग हैं, मैं जैसे पहले वर्किंग में थे वैसे ही सेम एज इट इज वर्किंग में, मतलब भैया ने गाड़ी पूरी बाहर से मैल फंक्शन नहीं है, भैया ने पूरी गाड़ी बाहर से चेंज कर दी है, और जितने भी जो भी चीज़ OEM फिटमेंट में वर्किंग में था सारा वैसे ही एजेंट है। फिर भैया ये तो हमारा पूरा एक्सटीरियर हो गया, आपने इंटीरियर भी काम किया, इसके इंटीरियर में सारी कस्टमाइजेशन करी है हमने, जैसे कि क्या क्या आइए दिखाइए, कस्टमाइज करी है, चलो एक बार सीट्स देखते हैं कि भैया ने कैसे इसके जो है कस्टमाइज किए। भाई गाड़ी ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, यहाँ हम आते हैं गाड़ी के अंदर, फिर सीट्स के बारे में बताओ पहले, सीट्स हमने प्रॉपर कस्टमाइज करी, प्रॉपर लेदराइट लगाए, ठीक लेदराइट पूरा प्रॉपर, जिस गाड़ी भी पुरानी मेरे ख्याल से थोड़ी सी ना 2011 मॉडल 2011 और 11 लग नहीं रही अब किसी भी हालत से, जब आई थी ना थोड़ी बहुत उसकी हालत खस्ता थी, लेकिन हाँ और अब देखो कितनी सही लग रही है, लग ही नहीं रहा कि 2011 किसी भी एंगल से ये लग नहीं रही है। भाई सीटों में आपने जो कस्टमाइजेशन की है, इसके अंदर आपने पैडिंग वगैरह भी की है क्या? सब पैडिंग करेंगे, कुशनिंग करेंगे तभी तो फिनिशिंग आएगी, फिनिशिंग आएगी, तो फिनिशिंग आ नहीं सकती, फिनिशिंग नहीं आ सकती, सही बात। ये पूरा सीट्स के बारे में बात होगी, फिर भाई इसके अलावा आपने और क्या काम किया इसके अंदर? इसके अलावा यार हमने इसमें एम्बिएंट लाइट लगाई है, एम्बिएंट लाइट हम गाड़ी के अंदर आते हैं, ये चेकआउट करो इसकी एम्बिएंट लाइट डोर पे पूरी, सामने भी हमारी लगी हुई है, सुंदर अच्छी लग रही है, पैरों में लाइट लगी हुई है इसकी, जी मतलब नेक्स्ट लेवल। बाकी डोर देख रहा हूँ भैया मैं, ये भी आपने इसमें चेंजेस करे हैं डोर? हाँ जी बिल्कुल करे हैं जी, जी देख लो भाई कितना सुंदर लग रहा है यार, पूरा पॉइंट टू पॉइंट है, एक्यूरेट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं देख के बोलूं कि यार नहीं यार मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एज इट इज मिलेगा, जैसे फैक्ट्री सामान होता है वही फिटमेंट मिलेगी, हाँ जी हाँ जी, मतलब एकदम पूरा फिटमेंट वही। और आपको ये बता दूं, आपने शायद आपकी वीडियो में पहले दिखा भी दो कि सारे वेंट्स टूटे फूटे थे सारे, हाँ ये टूटे हुए थे सारे, हाँ ये सारे भी आपने ठीक करवाए, सारे ठीक करा, ये सारे देखो कितने नीट एंड क्लीन लग रही है कार। भैया हेड यूनिट इसके अंदर वही है स्टॉक एक्टिवेटेड वाला, हमने कुछ अगर हम इसकी जगह अपग्रेड करना चाहें तो हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबल है, सारे मॉडल्स अवेलेबल है, सारे OEM फिटमेंट के साथ, हाँ जी बिल्कुल अवेलेबल है ठीक है। भैया अब जरा आप जहाँ आपने हाथ रखा हुआ है ये आपने इसको भी कस्टमाइज करा जी, हाँ देख के लग रहा है पूरी इंटीरियर का चशूट एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है, बहुत बुरा हाल था पहले, बहुत बुरा हाल था, वही मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से इसका बुरा हाल था उस हिसाब से मैंने गाड़ी को बहुत ज़्यादा सुंदर अब बना दिया, अगेन कार हेवन की वो
ब्रांडिंग यहाँ से गायब है फिर से। अभी यार वो वर्किंग में कुछ और कर रहे हैं। अच्छा कुछ नया कर रहे हैं।